अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फैसल महमूद शानी। कुछ भी इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि किसी अच्छी सी टेलर शॉप का आप विज़िट करें, उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करें। तो इसी सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूँ आगा जी टेलर्स शॉप पे। अलीपुर में मैंने बहुत जगह से पता किया कि मुझे कोई अच्छा टेलर मिल जाए, लेकिन हर जगह पे आगा टेलर्स का ही नाम चलता रहा है। हम मुलाकात करते हैं सैयद इमरान शाह के साथ। ये अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। फैसल भाई कैसे हैं? सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, ये मेरे ना व्यूवर्स की पुरजोश फरमाइश आई थी कि किसी ना अच्छे से टेलर के साथ पास जाएं और उनका हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं, क्योंकि उन्होंने सूट वगैरह सिलाई करवाने हैं तो कहते हैं हमें अच्छा टेलर नहीं मिलता। तो आपका नाम सुना है, इसी वजह से आपके पास हाजिर हुए हैं। ये तो फैसल भाई आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने हमें अलीपुर में अच्छा टेलर समझा, तो ये एक अल्लाह का शुक्र है। जनाब, मैंने नहीं समझा, ये लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये लोग कहते हैं। जी, लोग कुछ जानते भी हैं, आगा जी टेलर का नाम जानते हैं सब, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि आप यहाँ आए, और मजीद जिनको नहीं पता उनको भी पता चलेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले इमरान भाई, आपका थैंक यू कि आपने हमारे लिए इतने मसरूफ़ टाइम में से कुछ टाइम हमारे लिए निकाला। नहीं, कोई मसला नहीं भैया जी, मेरे लिए कोई लाइफ मेरी कोई खिदमत कर सकूँ मैं आपकी क्या? अच्छा, आपसे मैंने ना चंद सवालों जवाब करने हैं कि व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि आपने काम कहाँ से सीखा है। मैंने भाई फर्स्ट लाहौर से सीखा है मैंने काम, अपने मामू से जो जाहिद अली शाह है, और उसके बाद मारा खान ब्रांड है उनका मैं कटिंग मास्टर रहा हूँ, फिर उसके बाद धनक रंग है लाइम लाइट पे, मैं इन सब का कटिंग मास्टर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं दुबई चला गया, 8 साल का प्रोसीजर था मेरा, यानी कि सफ़र मेरा, और फिर दुबई में करता रहा हूँ। एमरेट्स एयरलाइन का जो पहला उनका जो आर्टिकल था मैंने उनका स्टिच किया था। फिर उसके बाद मैं चला गया हूँ ओमान में, वहाँ ब्रैनी में होता था, वहाँ 2 साल मैंने किया, वहाँ भी पलीता का एक ब्रांड था उनका मैं कटिंग मास्टर रहा हूँ। ठीक जी, उसके बाद सऊदिया, फिर किश में रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है 3-4 और कुछ कंट्री यानी कि पाकिस्तान से हटके भी मैंने काम किया है। और मेरे जो कोट में जो मुझे वेस्टकोट बनाने में जो मेरे टीचर उस्ताद कह लें वो इंडिया से हैं, मोहम्मद अली नाम है उनका। जी जी। और मेरे एक मामू हैं वो भी दुबई में होते हैं, उन्होंने मुझे वेस्टकोट और कोट का काम सिखाया। बाकी मेरे अच्छा, आप वेस्टकोट्स वगैरह भी सिलाई करते हैं? जी जी, ये भी अल्लाह का शुक्र है, ये भी कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ, ये सामने लड़की भी थी, मैं समझा शायद कि आपकी ये वेस्टकोट है। नहीं नहीं, ये कस्टमर की बनाई हुई है। उसके बाद एवरीथिंग, हर चीज़, और लेडीज स्पेशलिस्ट हो, वैसे लेडीज़ में कुछ भी हो, कोई चीज़। अच्छा, एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे कैसे कपड़े सिलाई कर लेते हैं? कोई भी हो, किसी भी तरह का हो। बस मैं सपोज, किस किस्म का? मैक्सी, लहंगा, शरारा, साड़ी, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ हो जहाँ से कस्टमर को इनकार हो जाए कि ये नहीं बन सकता है, वो यहाँ पे आए इंशाल्लाह हम इनकार नहीं करेंगे, उनको बना के देंगे एग्जैक्ट वही जो वो चाह रहा होगा, इंशाल्लाह उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बनाएंगे और वही कुछ बनाएंगे जैसा होता है। ठीक है। और वेस्टर्न में टोटल मैक्सी जितनी होती है, वेस्टर्न आर्टिकल जितने भी हैं, कोट में, लेडीज़ में स्कर्ट, हर चीज़ लेडीज़ में, हर चीज़ उसमें, शलवार आजकल ट्राउज़र वगैरह चलते हैं, उसमें से कुछ नाम बता दें। ज़्यादा कैपरी चल रहा है। अच्छा, कैपरी। हाँ जी, जैसे ट्यूलिप शलवार, पटियाला, बेल बॉटम, फिर प्लाजो वगैरह, सारा कुछ मुख्तलिफ नाम है कुछ, जिसके आपने इतने नाम मुझे बता दिए हैं जो मैंने आज तक सुने ही नहीं थे। बस ये काम अभी तो कुछ भी नहीं बताया मैंने, ये तकरीबन काफ़ी डिज़ाइन और सबके डिज़ाइन पे लहदा लहदा नाम है। ठीक है, कि जो आते हैं यानी कि जो याद है मैं आते गए हैं, मैं आपको बताता हूँ, वो सामने फिर जब डिज़ाइन आता तो फिर पता चल जाता है ये क्या। अच्छा, आपके रेट्स वगैरह कैसे हैं? रेट्स वगैरह का बता देना व्यूअर्स, क्योंकि अक्सर पूछते हैं कि रेट्स वगैरह कैसे हैं। रेट्स का कस्टमर अक्सर इशू बना देता है, वो इस वजह से कि भाई मैंने काम करना होता है बुटीक स्टाइल से, अगर कोई सिलवा के गया है ना तो उसे पता चले कि मैंने कहीं से पैसे दिए हैं तो उसने काम करके दिया हमें।
ठीक ठीक ये वाला काम नहीं है कि लोकल जैसे दर्जनों वाला या समझे कि घरों में दे दिया काम ये वाला और सारा ख़राब हो गए कस्टमर का, ऐसा इशू नहीं है। इसलिए कस्टमर जब सिलवाता है तो उसे पता चल जाता है कि हमने इसे अगर पैसे दिए हैं ना, पेमेंट की है, तो इसने चीज़ भी हमें वही बना के दी है। क्योंकि सारी बात है, मैं अपना काम गंदा नहीं कर सकता, मैं आला से आला पाकिस्तान के ब्रांड, आउट ऑफ कंट्री के ब्रांड पे मैं कटिंग मास्टर रहा हूँ, तो इसलिए खुद दिल नहीं करता कि गंदा काम करके दें किसी को। जी जी, बहुत बहुत अच्छा जनाब, बहुत अच्छा। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, कोई करे या ना करे, मैं आपको ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इस लेवल पर कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये शॉप का आपने ये खिलारा बोर्ड डाला हुआ है यार, इतना रश डाला हुआ है। ये मसला ये है कि ना लड़का एक तो आया नहीं और ना रोज़ सफाई होती है, लेकिन बस ये है कि बरियाँ तैयार हो रही हैं। अब इस वीक में 4 बरियाँ थी जो देनी थी। वाह, तो आपके पास शादी के सूट सिलाई होने आ रहा है। फैंसी सारा, फैंसी हो रहा है, लहंगा ये वो सारा कुछ हो रहा है, तो इस वजह से तो अब फिर निकालो कटिंग करो, फिर ये इस वजह से थोड़ा रश पड़ जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अल्लाह आपके काम में मजीद बरकत दे, आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अच्छा, वेस्ट कोट की आप सिलाई क्या लेते हैं? वेस्ट कोट का तो मुझे याद नहीं रहा। वेस्ट कोट की मैं सिलाई ले रहा हूँ 2500 रुपया। 2500 रुपये आप ले रहे हैं, ठीक है। अगर कोई मेरा मजीद अगर कोई आए, व्यूअर कोई आए, तो आप कंसेशन उसमें कर देंगे जी इंशाल्लाह, भेजिए इंशाल्लाह, जितनी मोहब्बत हो सकेगी हम करेंगे उनसे। अच्छा, ऐसा करें आप ना अपनी शॉप का एड्रेस बता दें कि व्यूअर्स को आसानी हो जाए आप तक। मेन बाजार, मेन बाजार गली आगा वाली, आगा जी टेलर है, सैयद इमरान हैदर नाम है मेरा, किसी से भी पूछने पता चल जाता है, मोस्टली सबको पता है। ठीक है, अच्छा तो आप अपना ना सेल फोन नंबर दे दें, मोबाइल नंबर 06-9457-977। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम निकाला। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा तो व्यूवर्स, देखा हमने आज आपको विज़िट करवाया है आगा इमरान साहब की शॉप का। ये टेलरिंग मास्टर बहुत अच्छे मास्टर हैं, तो अगर आपको इत्तेफाक हो तो इनसे ज़रूर सूट सिलाई करता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।